मंदिर की दुनिया कैनेडा में। वेलकम टू बाजी की दुनिया कैनेडा में। सो आज मेरी जो वीडियो है पूरी नियाग्रा फॉल्स के एक्सपीरियंस पे है। सो मेरी पुप्पो जो जर्मनी से आई हुई हैं, उनको हम स्टोर पे लेके गए थे बोट टूर, और उनको ये बहुत पसंद आया नियाग्रा फॉल्स की बोट टूर। तो मैंने नियाग्रा फॉल्स के सारे एक्सपीरियंसेस डाले हैं और सारी मैंने वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एनीवेज़, तो आज हम आपको दिखाएंगे इसका बोट एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस है, बहुत ड्रोना भी लगता है, बहुत गीले हो जाते हैं, आई वुड से कि बहुत पानी आता है। तो पहले मैं इसका ऊपर से शॉट दिखाऊंगी कि कैसे ये बोट बिल्कुल पानी के पास चली जाती है और कितनी पास जाती है। मैं पहले ऊपर से दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको नीचे से इसका एक्सपीरियंस दिखाऊंगी बोट में बैठने के बाद कि कितनी पास गई थी। तो हमने इसकी टिकट्स ली थी, बोट डिपार्ट हुई थी तकरीबन 1 बजे दोपहर के, मौसम भी बहुत अच्छा था और अभी तो बहुत सर्दी आने वाली है, तो बाई चांस आज बहुत ही अच्छा मौसम था। लाइक टेम्परेचर वॉज अबाउट 16 डिग्रीज़ मेरे ख्याल से। और ये है बोट के अंदर हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पर देखें कितनी झाग है नीचे, और पानी जब ऊपर से स्प्लैश करता है ना तो वो बहुत झाग बनाता है, और विंटर में तो ये झाग ना फ्रीज़ हो जाती है, बर्फ बन जाती है। और यहाँ पर हमें सबको रेनकोट्स दिए होते हैं, तो रेनकोट्स जब पहनते हैं ना तो बहुत गीले होते हैं ना आगे जाके, तो ये सब ने रेड रेनकोट्स पहने होते हैं। तो ये जो हमारी कैनेडियन साइड बोट होती है वो रेड पहनती है, जो अमेरिकन साइड होती है वो ब्लू पहनती है। तो ये है कैनेडियन साइड की वाटरफॉल। और दूसरी वाली थी, जो दूसरी वाली है वो है US साइड की वाटरफॉल। और ये देखें बोट के इतनी पास चली जाती है इसके कैनेडियन फॉल्स के, ये फॉल्स के इतने पास जाती है कि बहुत डर लगता है। ये जो फॉल्स है ना, ये आपको मैं नीचे से दिखा रही हूँ व्यू अमेरिकन साइड की वाटरफॉल का, और यहाँ बड़ा ही खूबसूरत सा रेनबो भी बना हुआ था। और यहाँ ये बिल्कुल पास से हम बोट ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना वाटरफॉल का, तो बहुत मज़ा आता है। इसका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। और यहाँ बर्ड्स भी इतने बैठे हुए हैं पानी में, और बर्ड्स को तो कोई परवाह ही नहीं है, फॉल ऊपर से गिर रही है, पानी गिर रहा है, वो तो बहुत इन्जॉय करते हैं, यहाँ पानी पर हर वक्त उड़ रहे होते हैं। और रेनबो भी इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था, तो जब सर्दी हो जाती है तब तो मौसम तब तो अपना ही मज़ा होता है वैसे वाटरफॉल पर जाने का। मैं तो साल में कभी भी नियाग्रा फॉल्स चली जाऊँ, मुझे तो बहुत पसंद है ये जगह, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है ना कि इसको देखकर दिल नहीं भरता जब भी आप जाओ, इट डजेंट मैटर। ये बोट राइड कब तकरीबन 1/2 आवर की होती है, तो ये बहुत ही स्लोली चलती है, और ये पानी के बिल्कुल आगे की तरफ पानी की तरफ जाती है, जो कि वाटर जहाँ से गिर रहा है वहाँ पर जाती है। और जब ये बिल्कुल पानी के पास पहुंच जाती है ना, तो मुझे तो ऐसा लगने लगता था कि ना मुझे ऐसा लगा जैसे ना आज ये बोट रुकनी नहीं है, सीधा पानी के अंदर चली जानी है। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना, और इतना वो आपके ऊपर पानी आ रहा होता है कि आपको ना पहले तो नज़र ही नहीं आ रहा होता कि मैंने आगे से पानी गिरता हुआ देखना भी कैसे है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फिर हवा का भी प्रेशर होता है, आपने देखा है कि कैसे सबके रेनकोट्स उड़ रहे हैं, तो ये बहुत पास जाती है। तो मैं तो इतना डर रही थी ना, मैंने कहा आज तो ये बोट रुकनी ही नहीं है, अब तो ये सीधा पानी में चली जाएगी। तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत डरती हो पानी से, तो मैंने कहा मैं डरती नहीं हूँ, बट जस्ट दिस इज़ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये नियाग्रा फॉल्स है, ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो अब हम उसके बिल्कुल नीचे खड़े हुए हैं, उसको देख रहे हैं ऊपर से, तो डर तो लगता है ना। एनीवेज, लेकिन डर के साथ बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस भी है ये, लाइक ऐसा एक्सपीरियंस जो सिर्फ आपको नियाग्रा फॉल्स पे ही मिल सकता है दुनिया में और कहीं नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस कि आप फॉल्स के बिल्कुल पास जाओ बोट पे, इतना प्रेशर है जिस पानी का, उस पानी को ऊपर से गिरते हुए देखो और कंप्लीट सेफ्टी के साथ, लाइक इट्स एन अमेजिंग थिंग जो ह्यूमन जो इंसानों ने क्रिएट कर लिया है, ये बहुत ही कोई अमेजिंग बात है। लाइक सबसे बिगेस्ट फॉल्स के ऊपर उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की है कि आप उसको इतने पास एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहाँ से अब बोट टर्न ले रही है और टर्न लेके उस तरफ चली जाती है, फिर वो US फॉल्स के पास जाके थोड़ी देर खड़ी होती है, और उसके बाद फिर चले जाते हैं घर। एनीवेज गाइस, ये था मेरा बोट एक्सपीरियंस। और ये अगर आपको मेरे बाकी के पूरे नियाग्रा फॉल्स के एक्सपीरियंसेस देखने हैं, होटल एक्सपीरियंस, ऊपर के व्यू,
तो मैंने बहुत सारी 3 वीडियोस हैं तकरीबन जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हैं। एक वीडियो है जिसमें मैंने होटल एक्सपीरियंस दिया है नियाग्रा फॉल्स का, दूसरी वीडियो है जहाँ पर फायरवर्क्स भी हैं और नीचे से मैंने डे टाइम रिकॉर्ड किया है, नाइट टाइम रिकॉर्ड किया है, और फिर तीसरी वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ नाइट टाइम में रिकॉर्ड तो किया है पूरा वाटरफॉल्स, लेकिन साथ में क्लिफ्टन हिल भी बहुत रिकॉर्डेड है जहाँ पर बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं, गेम्स होती हैं, वहाँ हमने बड़ी गेम्स खेली थी तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया। तो मैंने बेसिकली नियाग्रा फॉल्स को ना कम्प्लीटली कवर अप करके ना उनकी तीनों की वीडियोस ना डिस्क्रिप्शन में डाली हैं, जिसको इंटरेस्ट है ना बहुत ये देखने का कि फॉल्स पे एक्चुअली हम क्या क्या कर सकते हैं तो मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने टोटल एक्सपीरियंस ऑफ नियाग्रा फॉल्स डाल दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ बची है अब जो मैंने नियाग्रा फॉल्स की यहाँ पर ना डाली हो। अल्हम्दुलिल्लाह द वीडियोज़ आर सो गुड। सो गाइज, अगर आपको वीडियोज़ को देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये वीडियो पसंद आई है तो फिर सब्सक्राइब कर दें।